हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखाज किचन। आज मैं आपको पूरी बनाना सिखा रही हूँ। तो पूरी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने गेहूं का आटा लिया है, ये हमने पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, पानी लिया है आटा गूंदने के लिए, थोड़ा सा हमने नमक ले लिया है और देसी घी। इनकी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने आटा ले लिया है, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरी में। यदि आप सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहते पूरी में तो कोई बात नहीं है। और इसमें हम घी डाल देंगे, ये हमने देसी घी लिया है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं, 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने देसी घी। और इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। पूरी का आटा सख्त गूंदना चाहिए तभी हमारी पूरी अच्छी तरह से फूलती है। हमें जैसे हम रोटी और परांठे का आटा गूंथते हैं सॉफ्ट, उस तरह से नहीं चाहिए। ये हमें थोड़ा सा टाइट आटा चाहिए, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए, जैसा कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। हमें थोड़ा टाइट आटा चाहिए। ये मैंने घी इसमें मिला लिया है अच्छी तरह। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी धीरे धीरे इसलिए ऐड कीजिए ताकि आटा बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। यदि आपका आटा गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा तो इसमें सूखा आटा मिला लीजिए। थोड़ा और ऐड करूंगी। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें क्योंकि इससे हमें पानी का अंदाज़ा रहेगा कि आटा हमारा गीला हो रहा है या सूखा। सूखा होगा तो हम और डाल सकते हैं, थोड़ा गीला हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने आटा यहाँ 1.5 कप लिया है। ये सारी मेजरमेंट्स इस कप से ही करती हूँ। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पूरी को फूलने के लिए आटा प्रॉपर गूंदा हुआ होना चाहिए। पूरी को फुलाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। कई व्यूअर्स कहते हैं कि पूरी फूलती नहीं है, तो आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। मैं इसमें आपको बताऊंगी पूरी फूली हुई पूरी किस तरह से बनाई जाती है। इसमें छोटे छोटे टिप्स होते हैं ध्यान रखने लायक, बस उससे हमारी परफेक्ट पूरी बनती है। यह हमने पानी मिला लिया है। अब हम धीरे धीरे इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे। यदि हमें पानी की और ज़रूरत होगी तो हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इस तरह से करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ पे लिया। फ्रेंड्स, आटा मैंने टाइट रेडी किया है, ये काफ़ी टाइट है। अभी इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसे इसकी पूरियां बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसे हम ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, आटे को हमारे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। आटा सेट हो चुका है, एक बार इसे क्विक पंच कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हम हाथ को गीला कर लेंगे। एक बार सारा आटा हमने इस तरह से पंच करके इकट्ठा कर लेना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, मतलब उतना सॉफ्ट नहीं है जितना रोटी के लिए है, हार्ड है, लेकिन हमारा पूरी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये आटा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, इससे परफेक्ट पूरी बनेगी। अब स्टार्ट करते हैं पूरी बनाना। सबसे पहले हम इसमें से इस तरह से एक ही तोड़ लेंगे। जितने साइज़ की आपको पूरी बनानी है आप उतने साइज़ के इस तरह से, देखिए जितनी बड़ी पूरी बनानी है उतना हम इस तरह से छोटे छोटे लोइयाँ रेडी कर लेंगे। हमने ये इस तरह की पेड़ियाँ रेडी कर ली हैं। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी है। तो अब हम लेंगे इसे बेलने के लिए। इसके लिए मैं पतली बेलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और गैस पर मैंने तेल लगा दिया है।
गरम करने के लिए। तो इसकी जो ये लोइयाँ हैं ये हम इस तरह से देखिए थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस तरह से इसे इकट्ठा करके रख देंगे और थोड़ा सा हम लगाएंगे ऑयल नीचे ताकि हमारी पूरी चिपके नहीं, क्योंकि पूरी में हम सूखा आटा नहीं लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया है और थोड़ा मैंने इसमें भी लगा दिया है बेलनी में। ये देखिए मैंने पूरी इस तरह से बेलेंगे हम, थोड़ा हाथों से प्रेस कर दिया ये देखिए। और फ्रेंड्स पूरी को हमने बीच से नहीं बेलना है, साइडों से बेलना है, क्योंकि ताकि हमारी पूरी है अच्छी तरह से, हमारा ज़्यादातर जो ये प्रेशर है वो साइडों पे होगा, बीच बीच में नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच से पतली हो जाए और साइडों से मोटी, तो हमारा ज़्यादा प्रेशर साइड में है। बिल्कुल बराबर पूरी बिल्कुल रेडी हुई है सभी तरफ से। देखिए मैं दो चार पूरी इस तरह से बना लूँगी और एक साथ इन्हें बाद में फ्राई करेंगे हम। यदि हम पूरी के लिए पतली बेलनी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इजीली हो जाती है, ये बन जाती है। ज़्यादा प्रेशर में साइड्स पे दे रही हूँ पूरी की, बीच में नहीं दे रही हूँ। ये देखिए एक और पूरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं सारी पूरियाँ रेडी कर दूँगी और एक साथ फिर हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल हमारा गर्म है, देखिए हाथ इस तरह से रखे, पूरी हीट आ रही है तो ऑयल बिल्कुल गर्म है। इसे मैंने मीडियम और हाई फ्लेम पर गर्म किया है और अब मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लिया है क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक पूरी डालेंगे। हमने सभी पूरियाँ रेडी कर ली है बेल के। अब हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से। देखिए हमारी पूरी कितनी प्यारी फूलकर रेडी हुई है। अब मैंने फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच कर लिया है। देखिए पूरी फूलकर रेडी हो चुकी है। एक और पूरी हम डाल के दिखाएंगे इसमें आपको। देखिए फ्रेंड्स जैसे ऊपर आने लगे इसे प्रेस कर दीजिए हल्के हाथों से, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना आप इसे प्रेस करते जाएंगे ये फूलती जाएगी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। ये हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी पूरी बनकर रेडी हुई है क्रिस्पी, और ये देखिए बिल्कुल फूली हुई है। हमें इसे देर हो चुकी है बना के, फिर भी अभी तक ये फूली हुई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको आटा गूंदना बताया है उसी तरह से आटा गूंदिए, बिल्कुल सारे टिप्स का ध्यान रखिए तो आपकी पूरी इस तरह से बनेगी। इसे ट्राई कीजिए। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।